स्टूडेंट्स, नाउ प्रोनाउन के रूल्स समझने के बाद अब हम जानेंगे इसको प्रैक्टिस करके किस तरह से रूल्स अप्लाई होते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे एरोनियस होते हैं, उसमें एरर्स होते हैं और उनको हमें उनकी गलती को ढूंढना पड़ता है। तो आइए हम जल्दी जल्दी इन सारे सेंटेंसेस को ठीक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि नाउन के एरर्स को कैसे सही करना पड़ेगा एग्जाम के पेपर में। तो वन बाय वन हम करते हैं। सेंटेंस नंबर वन, ही यू एंड आई वेंट टू स्कूल। ऑर्डर मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले होता है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। तो इसका ऑर्डर क्या है, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। अब इसको मेल कराएंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला तो सही जगह पे है लेकिन ये वाला गलत जगह पे, इसको पहले आना चाहिए था। तो इसको ऑर्डर हम ठीक करेंगे, क्या होगा, यू ही एंड आई वेंट टू स्कूल। अब ये सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट है, योर काउ इज बेटर देन जिम्मी। तुम्हारी गाय जिम्मी से अच्छी है। तो जिम्मी और तुम्हारी गाय में कंपैरिजन है, तो जिम्मी को गाय तो है नहीं, जिम्मी को इंसान है, तो जिम्मी की कोई गाय हो सकती है। तो यहाँ पे इस काउ को यानी नाउन को रिपीट करने से अवॉइड करने के बजाय प्रोनाउन को भी नहीं यूज़ किया तो होना चाहिए योर काउ इज बेटर देन दैट ऑफ जिम्मी। योर काउ इज बेटर देन दैट ऑफ जिम्मी। योर डॉग इज बेटर देन जिम्मी, या योर डॉग इज बेटर देन मोहन ना कह देना किसी से, नहीं मोहन कोई होगा तो वो लड़ जाएगा और लात घूसा कर देगा। नेक्स्ट, ही मेड माई मेंशन। यहाँ पे पॉजिटिव केस जो लगा हुआ है ये सही नहीं है, यहाँ पे मेंशन ऑफ मी होना चाहिए। ही मेड मेंशन ऑफ मी, इसके पहले ये पॉजिटिव केस लगना सही नहीं है। ही एंजॉयड, आप जानते हैं कि ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ही एंजॉयड हिमसेल्फ, he enjoyed himself at water park today। तो इसको आप उसी तरह से जैसे है अब यहाँ पर रख देंगे। he resigned, अगेन यहाँ पर reflexive pronoun का यूज़ हुआ है, मतलब कि ये ऐसा वर्ब है जिसने reflexive pronoun आना मस्ट है। he resigned himself, तो यहाँ भी himself को यूज़ करना है himself। who wrote this, myself, who wrote this, myself। ये माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले आता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले नहीं आता है, इसके पहले नाउन को आना यानी इसका सॉरी इसका प्रोनाउन आना ज़रूरी है। प्रोनाउन के साथ आ सकता है या प्रोनाउन का सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस अकेले आ सकता है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले नहीं आ सकता है। तो आई माई सेल्फ इसको करेंगे, चाहे आई करिए चाहे आई माई सेल्फ करिए। इट इज़ ही एंड यू हु हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। अब ही एंड यू, वो और तुम दोनों ने मिलकर के, आप जानते हैं रूल्स में मैंने आपको बताया है कि जब सेकंड पर्सन हो तो उसका पॉजिटिव केस वो सेकंड पर्सन का प्लोरल नंबर आता है, भले इसमें थर्ड पर्सन भी साथ में है। तो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन दोनों हैं, इस केस में ये प्लोरल नंबर आना चाहिए यानी कि सेकंड पर्सन का प्लोरल नंबर तो सेम ही होता है, फर्स्ट पर्सन होता तो आवर हो जाता। तो इसको आप कैसे करेंगे, इट इज ही एंड यू। हालांकि इसका ऑर्डर जो है यू पहले आना चाहिए यानी सेकंड पर्सन पहले आएगा, इट इज यू एंड ही हु हैव, ये हैव हो जाएगा, who have completed your task। समझ में आ गया आपको एकदम अच्छे से कि किस तरह से इसमें हमने चेंज किया है कि
इसका भी ऑर्डर गलत था, इसको सही किया, यहाँ पे हैज़ की बजाय हैव लिखना पड़ा, फिर हिज की बजाय सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस लेना पड़ा। नेक्स्ट है लेट माहा एंड आई डू दिस। लेट जो होता है ये एक वर्ब है और इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, इस पे आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है, तो इसको यहाँ पे होना चाहिए कि लेट माहा एंड मी डू दिस, माहा एंड मी डू दिस। अब ये सही हो जाएगा, यहाँ पे आई की बजाय मी लग जाएगा। आई एंड माई फादर विल मीट यू टमोरो, आई एंड माई फादर विल मीट यू टमोरो। आपको पता है थर्ड पर्सन ये बाद में नहीं आता है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के पहले आता है, तो ये होना चाहिए माई फादर एंड आई विल मीट यू टमोरो। इस तरह से ये माई फादर को आप पहले लगाएंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दे दैट अब्यूज्ड हिम वुड बी पनिश्ड, दे दैट अब्यूज्ड नहीं, दोज ये होगा, those that abused him would be punished. यहाँ पे demonstrative pronoun आएगा, personal pronoun की जरूरत नहीं है। number 10 जो हम आपको बता रहे थे ये personal pronoun ना होके demonstrative that आएगा। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी, क्योंकि वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। ही एंड योर सेल्फ टुक लंच, ही एंड योर सेल्फ नहीं होता है यहाँ पे, योर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि एकदम गलत है, होना चाहिए यू एंड ही took lunch, इस तरह से होना चाहिए। इसका ऑर्डर भी सही होगा, इसको yourself की बजाय you करेंगे। The manager and the principal help one another, जब दो ही लोग हैं, manager है और दूसरा principal है, तो one another की बजाय होना चाहिए each other, दो के लिए reciprocal ये each other होता है, not one another। He will avail, avail के साथ में reflexive pronoun लगता है, He will avail himself of the opportunity, next है teach Nikki and I to pass our examination। अब आपको यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे जो पॉजिटिव केस है वो फर्स्ट पर्सन का प्लोरल नंबर लगा है। अगर कोई दूसरा होता है फर्स्ट पर्सन के साथ में तो फर्स्ट पर्सन का प्लोरल नंबर का प्रोनाउन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये सही है। नन ऑफ द टू, तो दो के साथ में नन हम नहीं यूज़ कर सकते, नीदर ऑफ द टू सर्वेंट्स डिड दिस, तो यहाँ पे नन की बजाय हम इसको करेंगे नीदर, NEITHER नीदर होना चाहिए, दो में से कोई एक सर्वेंट की बात हो रही है, दोनों में से कोई एक। डोंट हाइड बिहाइंड द बुश, डोंट हाइड योर सेल्फ, क्यों योर सेल्फ कहाँ से आ गया, हाइड वर्ड ऐसा है इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए और इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है यानी जिसको एड्रेस किया जाता है वो सेकेंड पर्सन होता है। डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द बुश, दिस इज ऑल व्हाट यू नो, दिस इज ऑल लगा है, व्हाट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपको मैंने पहले अभी बताया था रूल नंबर 28 आई थिंक, उसमें व्हाट 27 में शायद था, ये व्हाट को हम That which के सेंस में रखते हैं, यानी कोई वस्तु के लिए आता है तो what को इसके साथ में नहीं रखते हैं, तो all है, anything है, only है, इस तरह से जब antecedent आ जाएं तो उनके लिए which use किया जाता है, this is all that use किया जाता है, this is all that।
आपको पता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल हो, ओनली हो, एनी हो, तो इन सब के लिए दैट का ही यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट यू नो। ये हो गया पैराडाइज लॉस्ट, नेम ऑफ मिल्टन्स ग्रेट एपिक पोएम ऑन द लॉस ऑफ पैराडाइज डिवाइडेड। अब यहाँ पे इसके बाद ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एंटीसीडेंट यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट है जिसकी बात हो रही है। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो डिवाइडेड है 12 सेपरेट पार्ट्स में, तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन से एक दूरी इतना है वो मतलब ही ख़त्म कर देता है, तो इसको होना चाहिए इसके पास में। तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं? मिल्टन्स ग्रेट इपिक पोएम ऑन द लॉस ऑफ पैराडाइज कॉमा पैराडाइज लॉस्ट। अब पैराडाइज लॉस्ट पहले आना चाहिए, या आप यूं कह सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड इनटू 12 सेपरेट पार्ट्स। तो इस तरह से आप इसको, इस पार्ट को, यानी कि जो केस इन अपोजिशन है, केस इन अपोजिशन को पहले रख लेंगे। मिल्टन्स ग्रेट एपिक पोएम ऑन द लॉस ऑफ पैराडाइज कॉमा पैराडाइज लॉस्ट, ये बुक का नाम है डिवाइडेड। अब ये डिवाइडेड इसके पास में आ गया, डिवाइडेड के बाद जितना पार्ट है इसको आप आगे लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड इनटू 12 सेपरेट पार्ट्स। अब ये सही हो गया है कि यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट ये डिवाइडेड है, ना कि लॉस ऑफ पैराडाइज। तो लॉस ऑफ पैराडाइज इसके पास आप देख रहे हैं कि ये एंटीसीडेंट से, रिलेटिव प्रोनाउन से एंटीसीडेंट बहुत दूर है, ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इट्स मी हु पनिश्ड यू। अब जो पनिश करता है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है, तो यहाँ पे मी क्यों करेंगे? इट इज आई हु पनिश्ड यू, इसको आप लिखेंगे इट इज आई, पनिश करने वाला सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हु लगा हुआ है जो इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, और एंटीसीडेंट मी नहीं होगा, आई होगा, जो कि करेक्ट है। इसके बाद हु पनिश्ड यू ये आगे लिख देंगे इसके। इट इज़ यू हु हैज फॉरगॉटन हिज ड्यूटी, इट इज यू, इट इज़ यू हु हैज फॉरगॉटन। आपको पता है यू का वर्ब होता हैव, इट इज़ यू हु हैव फॉरगॉटन योर ड्यूटी। यू का पॉजिटिव केस हिज नहीं होता है, योर होता है। इट इज यू हु हैव फॉरगॉटन योर ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट वन, बीइंग अ रेनी डे आई कुडंट गो आउट, तो इसको होना चाहिए इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसके पहले इट को यूज करके ही सेंटेंस सही बना पाएंगे। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुडंट गो आउट, तो इंपर्सनल प्रोनाउन की तरह से इट को यहाँ पे यूज किया गया है। हियर इज माई बॉटल प्लीज फिल, प्लीज फिल। अब यहाँ बॉटल है और इसके बाद इस नाउन का यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आ रहा है, अगर प्रोनाउन नहीं आएगा तो ये गलत है, यहाँ पे इसको रखना ही पड़ेगा, प्लीज फिल इट, अब ये सही होगा। दिस इज, दिस बुक इज माई, माई के बाद नाउन आना चाहिए, अगर नहीं ले आ सकते हैं तो ये गलत है, इसको फिर पॉजिटिव के सेकेंड रखेंगे। दिस बुक इज माइन नॉट माई, माइन सही होगा। नेक्स्ट, सोले एंड यू प्रपोज आई एंड जोसेफ डिस्पोज, सेकेंड पर्सन कब आता है? थर्ड पर्सन के पहले आता है, ये पहले वाले सेंटेंस में ऑर्डर बता दिया था, यू एंड सोले प्रपोज्ड। अब आई एंड जोसेफ, तो थर्ड पर्सन पहले आएगा फर्स्ट पर्सन से,
Joseph and I disposed. Who did you give my purse? Who did you give? आपने किसको दे दिया मेरा पर्स? तो यू सब्जेक्ट है और जिसको दिया वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में हु है जो कि गलत है, होना चाहिए whom, W H O M, whom did you. अब इसके आगे जो है ये लिख देना पड़ेगा, इसका मतलब ये whom होना चाहिए, दैट्स ऑल. बस इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं. शी इज़ द गर्ल हु आई हेल्प, ब्लेम्ड मी. शी इज़ द गर्ल हु आई हेल्प, तो सब्जेक्ट तो ये है, तो जिसकी मदद किया वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, दैट शुड बी ऑब्जेक्ट. गुड. शी इज द गर्ल हुम, यहाँ पे भी हुम होना चाहिए, हु जो कि नॉमिनेटिव केस है, ये गलत है. नेक्स्ट है वन शुड टेक केयर ऑफ हिज लगेज, तो वन का पॉजिटिव केस हिज नहीं होता है, वंस होता है, दैट शुड बी वंस लगेज, वंस लगेज. नेक्स्ट, नोबडी केयर्स फॉर देयर ड्यूटी, नोबडी केयर्स, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, उसकी उसका ख्याल नहीं रखता है. तो यहाँ पे देयर ये थर्ड पर्सन का प्लोरल नंबर का पॉजिटिव केस है, जो कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, होना चाहिए फॉर हिज ड्यूटी, नोबडी केयर्स फॉर हिज ड्यूटी. अ डिलाइजेंट स्टूडेंट कैन डू एनी थिंग वॉट ही लाइक्स. अब जब यहाँ पे एनी थिंग आया है तो एनी थिंग के बाद वॉट नहीं आएगा, यहाँ पे दैट होगा. इसकी बात कई बार हो चुकी है. इस तरह से हम लोगों ने ये 30 रूल्स सीख लिए हैं. आई टोल्ड यू हाउ टू इम्प्रूव द सेंटेंसेज हैविंग एरर्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की गलतियाँ जो इसमें थी मैंने ठीक करके बताया, और वो ज़्यादातर रूल्स अप्लाई हो गए हैं इसमें, और इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा. प्रैक्टिकल वे में आपने प्रोनाउन का यूज़ समझ लिया है, और इसको एक बार अपने से खुद से रिवाइज करेंगे, इन जो एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाया है इसको खुद एक बार ट्राई करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो आपको शायद और ज़्यादा समझ में आ जाएगा. और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, अपने साथियों को और जो जानने वाले हैं, ताकि प्रोनाउन के रूल्स में कोई गलतियाँ ना हो. प्रोनाउन के रूल्स एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, और हर एग्ज़ाम में आप चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ले लीजिए, कि प्रोनाउन के रूल्स आपको मिल ही जाएंगे, एरर्स में अक्सर ये मिलते हैं. थैंक यू एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.